एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। मेरा ये पहला ब्लॉग है मेकअप ट्यूटोरियल का, तो मैं आपको बेसिक मेकअप करके दिखाती हूँ कि आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं तो आप कैसे जल्दी जल्दी मेकअप कर सकते हैं ऑफिस लुक के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेकअप करने से पहले हमें हमारा स्किन को क्लीन करना चाहिए। सबसे पहले हमें या तो फेस वॉश से अपना चेहरा साफ कर लेना चाहिए या आपको पानी से धो लेना चाहिए, साबुन से वगैरह से। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना डल लग रहा है, तो मैं इस फेस को सही करने के लिए, डलनेस हटाने के लिए मैं कुछ अपने फेस पे लगाऊंगी। आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे मेरे पास था तो मैंने यूज़ किया, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फेस वॉश कर सकते हैं। ये है डेली मास्क, मैं इसी को अभी यूज़ करूँगी अपने फेस पे और 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखूँगी, फिर उतारने के बाद इसको 15। तो चलिए मैं फेस पे लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे यूज़ करना है। पहले आपको फेस को क्लीन करना है, फिर आपको ये मास्क है जो पूरा फेस के ऊपर रखना है, सिर्फ आँखों पे नहीं रखना है क्योंकि इसमें केमिकल भी होता है थोड़ा, तो आँखों से अवॉइड कीजिए। और आपको यहाँ पे देखिए 10 से 20 मिनट लिख रखा है, तो हम 15 मिनट तक रखेंगे इसको। फिर उसके बाद जेंटली मसाज करना है आपको, जैसे हम फेसियल करने के टाइम पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फेसियल, यहाँ पे मसाज करने का भी डायरेक्शन इसमें दिया रहता है, तो आप इसको देख के आप कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको बता ही रही हूँ। तो चलिए हम अपने फेस पे ये मास्क यूज़ करके देखते हैं कि हमारा अभी स्किन जैसा है बाद में भी ऐसा ही रहता है कि ग्लो करता है। तो मैंने देखिए इसको फाड़ लिया है, फाड़ने के बाद बहुत टाइट है, मेरा आज तबीयत ख़राब है तो ऐसा फेस लग रहा है मेरा, और साथ में मेरा आवाज़ भी। ये देखिए इसमें कितना सारा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फेशियल मसाज को। अभी हम इसको ऐसे जो फोल्ड है इसको हम बारीकी से सीधा करेंगे और ये फेस मास्क जैसा ये पूरा फेस पे आ जाएगा आपको। ये देखिए तो मैं अपने फेस पे ऐसे ही लगाऊंगी, देखिए ऐसे ही पूरा फेस पे लगा लेना है और 15 मिनट के लिए रखना है आपको। Keep sheet mask on face for 10 to 15 minutes. तो फाइनली हो गया मेरा 15 मिनट, तो मैं इसको रिमूव करती हूँ। इसके रिमूव करके हम कहीं पे रख देते हैं और ये देखिए जो लिक्विड है इसको आराम से ऐसे ऐसे जेंटली मसाज कीजिए कुछ देर तक। आँखों के पास मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिए। इसमें भी काफ़ी बच जाता है तो आप इसमें से भी यूज़ कर सकते हैं, आपको दिखाती हूँ काफ़ी इसमें है तो आपको वेस्ट नहीं करना है, तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नेक तक करना है मसाज, आपको करना पड़ता है क्योंकि जितना आपका फेस ज़रूरी है उतना ही आपका नेक भी ज़रूरी है अच्छा दिखना। ये हो गया मसाज कुछ देर के लिए, अभी हम मेकअप करेंगे। अभी इसको आप थोड़ी देर अप्लाई करके छोड़ दीजिए, फिर ये थोड़ा ऑब्जर्व कर लेगा तो फिर देखिएगा हमारा मेकअप कैसे ग्लो करता है। तो मैं अभी आपको मेकअप करके दिखाती हूँ। ओके, तो देखा आपने मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, तो आप यूज़ कीजिए तभी आपको पता चलेगा, शायद वीडियो में पता ना चल रहा हो, बट देखिए मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है पहले से। तो मैं अभी जा रही हूँ बेसिक मेकअप करने। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है और एक लिपस्टिक है और वो कंसीलर है और एक ईयरिंग है मेरे पास और कॉम है। मैं इन्हीं चीज़ों से मेकअप करके आपको दिखाती हूँ आज। इसके मॉइस्चराइज़र नहीं भी है तो सनस्क्रीन से भी हो जाएगा, बट सनस्क्रीन तो होना चाहिए क्योंकि बाहर धूप जाते हैं। आप इसको फाउंडेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और एक मेरे पास है रेड कलर की पैलेस की और छोटा सा ईयरिंग है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने ये लक में सनस्क्रीन से, तो मैं इसको थोड़ा सा लूँगी और मैं सारी चीज़ें अपने हैंड से यूज़ करूँगी, तो आप देखते रहिए। मैं ब्लेंडर का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में ब्लेंडर होता है भी है और नहीं भी होता है। तो ऐसे मसाज कर लीजिए, मतलब मसाज नहीं करना है आपको, जस्ट लगाना है और ऐसे हल्के हाथों से कर लीजिए चारों तरफ। नेक पे भी लगाइए बट आँखों पर मत लगाइएगा क्योंकि जलन देने लगता है, इसलिए इसको एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम यूज़ करेंगे दूसरा चीज़। अभी हम एक दो मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको, अब हम यूज़ करेंगे हमने सनस्क्रीन यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेते हैं, मेरे पास मॉइस्चराइज़र लगने का पीच में, आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं आप अवॉइड कर सकते हैं, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ये देखिए मैं इसको भी ऐसे जेंटली लगा लूँगी और एक दो सेकेंड के लिए इसको लगा के छोड़ दूँगी।
ये देखिए, ये थोड़ा सूखने दीजिए इसको। फिर इसके बाद आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ ना लगाएं, जैसे फाउंडेशन आप बिना कुछ लगाए फाउंडेशन लगा लेते हैं तो बाद में आपके स्किन को प्रॉब्लम होता है, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। या तो सनस्क्रीन है तो लगाइए, या कोई भी क्रीम है आपके पास तो वो लगाकर तभी आप फाउंडेशन यूज़ कीजिए या कंसीलर यूज़ कीजिए। तो अगर आपके फाउंडेशन नहीं भी है, कंसीलर नहीं भी है, तो आप बीबी क्रीम ले लीजिए। बीबी क्रीम से बहुत अच्छा ग्लो आता है, मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ। अभी मेरा मिल नहीं रहा था तो मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं आपको एक दिन मैं उसको भी करके दिखाऊंगी बीबी क्रीम से मैं कैसे रेडी होती हूँ। तो ये है मेरे पास, ये आपको मार्केट में इजीली 200-300 रुपए में मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे लगाती हूँ थोड़ा थोड़ा, और इधर भी लगाइए, कोई भी चीज़ नेक तक लगाइए, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप, क्योंकि हमारे फेस के साथ साथ ये चीज़ें भी हाईलाइट होती है। तो थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, और हैंड से ही इन पाम उंगलियों से ही ऐसे आप जैसे कि इस तरफ कीजिए, कोई भी चीज़ हो। अगर आप ऐसे ऐसे कर लेंगे तो दिखेगा पूरा, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ लगा लीजिए ऐसे करके। लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो ओवर लगेगा, क्योंकि आपको ऑफिस लुक या डेली यूज़ करने के लिए चाहिए। देखिए अभी कितना परफेक्ट, हाथों से अच्छे से ब्लेंड होता है। अगर ब्लेंडर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर है तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इस तरफ से आपको डैब 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 करके करना है। डैब डैब करेंगे तो आपका बहुत ही मतलब अच्छे से ब्लेंड होगा, हाथ से भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब ब्लेंडर नहीं है तो थोड़ी ब्लेंडर खरीदने के लिए जाएंगे आप लोग। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। अभी मेरे पास, अब मान लीजिए आपके पास ब्लश नहीं है, तो ये जो लिपस्टिक है इसी को मैं लिप में यूज़ करूँगी और इसी को मैं ब्लश में यूज़ करूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगा लूँगी मैं, बट अभी मैं लिपस्टिक लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि आपके पास ब्लश नहीं है, तो इसी लिपस्टिक को आप थोड़ा इस साइड में यहाँ से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए दोनों साइड में, हाथों से ब्लेंड कर लीजिए, ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। अब मैंने थोड़ा सा लगा लिया और थोड़ा मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ। लिपस्टिक है आपके पास नॉर्मल, वो भी कर सकते हैं। लिपस्टिक से ही हमने आई शैडो भी बना लिया। देखिए लिमिटेड चीज़ों से आप घर पे भी कितने अच्छे से रेडी हो सकते हैं। हम लोग पार्टी वार्टी में जाते हैं तो 1500 रुपये, 1000 रुपये, पार्लर वाली को 2000 रुपये दे के आते हैं। तो अगर आपको घर पे भी मेकअप है, आपके पास थोड़ा सा भी मेकअप है, तो घर पे भी रेडी हो सकते हैं। अब हाथों से ही देखिए किया है, तो देखा आपने कितना ईजी था, मैं रेडी हो गई। तो कितना हमारे पास बेसिक चीज़ें थी और हमें रेडी होना था, तो हम रेडी हो चुके हैं। आप भी ऐसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आपको मैं इयररिंग पहन के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं हम।